अगर हम फोटोज़ ऐप को ओपन करें और उसमें कोई भी फोटोज़ को ओपन करके उसके डिटेल्स चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उसके सारे डिटेल्स हमें शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो नेम है फोटो का उसे चेंज करने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अगर आप एडजस्ट पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट टाइम वगैरह चेंज करने का ऑप्शन तो मिल जाता है, लेकिन अगर आप इस फोटो की नेम को चेंज करना चाहेंगे, फोटो या फिर इमेज वीडियोज उसके नेम को चेंज करना चाहेंगे, तो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हालांकि ऐड अ कैप्शन का ऑप्शन है यहाँ पे, जिसमें कि आप टैप करके कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको एक हेल्प हो जाता है इस फोटो को सर्च करने के लिए। जब कभी भी आप इस टेक्स्ट को अगर सर्च करेंगे लिखकर, तो आपका ये जो फोटो है वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप नेम चेंज करना चाहेंगे तो वो नेम चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो हम इसे चेंज कैसे करेंगे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं वीटेकी। तो बिना देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने आईफोन में किसी भी फोटोज के नेम को आसानी से चेंज कर पाएंगे। किसी भी इमेज का नेम चेंज करने के लिए मैं आपको यहां पे दो तरीके बताने वाला हूं। पहला जो मेथड है वो इनबिल्ट फीचर है और दूसरा जिसमें कि हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला जो मेथड है उस पे हम शेयर पे टैप करेंगे और शेयर पे टैप करने के बाद यहां शेयर शीट से सेव टू फाइल्स का जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहां आने के बाद आपको यहां पे सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपके फोटोज को। तो फोटोज को सेव करते टाइम आप यहां पे इसके नेम को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही आप सेव पे टैप करेंगे तो ये जो फोटो है वो आपके फाइल्स ऐप में उस नेम से सेव हो जाएगा। लेकिन ये जो फीचर है तब हेल्पफुल है जबकि आपको फाइल्स ऐप में फोटोज को सेव करना है और उसे कहीं पे शेयर करना है, क्योंकि अभी हमने जो चेंज किया आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका नेम वही है, अभी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। हालांकि हम अगर फाइल्स ऐप में जाएं और फाइल्स ऐप में जाने के बाद उस फोटो को चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो नेम है वो चेंज हो चुका है। लेकिन हमें इसे फिर से अपने आईफोन में सेव करने के लिए, फोटोज ऐप में सेव करने के लिए, फिर से हमें इसे ओपन करके शेयर पे टैप करके सेव इमेज करना होगा। इसी कारण हमारा जो दूसरा मेथड है जिसमें कि हम अपने आईफोन के फोटोज की नेम को चेंज कर पाएंगे वो हेल्पफुल होता है। तो उसके लिए आपको ऐप स्टोर में जाना है और ऐप स्टोर में जाने के बाद मेटाफो करके एक एप्लीकेशन है, इसे सर्च करके अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे एक वेलकम स्क्रीन दिखेगा आपको, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप करना है और उसके बाद यहाँ पे अलाउ फुल एक्सेस कर देना है। अब यहां से आपको इनेबल एक्सटेंशन का एक फीचर दिखेगा, वो आपको यहां पे टैप करना है और इसमें साथ में आपको बताया भी जाएगा कि कैसे आप इसके नेम को चेंज कर पाएंगे, हालांकि मैं भी आपको बताऊंगा। तो यहां पे इनेबल एक्सटेंशन पे टैप करिए और टैप करने के बाद एडिट एक्शन पे टैप करके मेटाफो जो यहां पे ऑप्शन है उस पे यहां ग्रीन बटन पे टैप करिए और इसे फेवरेट्स में सेव कर दीजिए। उसके बाद डन करिए। डन करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है। फिर आप अपने फोटोज ऐप में चले आइए और जिस किसी भी इमेज का या फिर वीडियो का आप नेम चेंज करना चाहते हैं उसे ओपन करने के बाद यहाँ पे शेयर पे टैप करिए। टैप करने के बाद आपको यहाँ से मेटाफो जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इसके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है इमेज के बगल में, उस पर टैप करना है और सेव एज का जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पे इस इमेज का नेम चेंज कर दीजिए जो भी आप रखना चाहते हैं और उसके बाद कर दीजिए डन। डन करने के बाद फिर से हमें यहाँ डन पे टैप करना है और उसके बाद इसे क्लोज कर देना है। अब आप यहाँ पे फोटोज में जैसे रिसेंट में जाएंगे आपका जो इमेज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका नेम चेंज हो चुका है। अभी जो हमने नेम चेंज किया था वाटरफॉल, वो इमेज का नेम यहाँ पे चेंज हो गया है और उसके बाद हमारे फोन में शो होना शुरू हो चुका है। और साथ ही आप ध्यान देंगे ये फोटोज ऐप में ही हमारा नेम चेंज हुआ और यहाँ पर ही हम उस इमेज को एक्सेस कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपने आईफोन में इमेज के नेम को आसानी से चेंज कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वैसे अगर आप आईफोन में बिल्कुल नए हैं और फेस टाइम एक्टिवेट करना नहीं जानते हैं, फेस टाइम इस्तेमाल करना है, तो आप यहां पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ अगर आप नए एप्लीकेशंस डाउनलोड करना चाहते हैं अपने आईफोन में, तरीका नहीं पता है, तो यहां पर जरूर क्लिक करें।